चाणक्य समसामयिकी विशेष में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय है स्टार प्रचारक। इस विषय के अंतर्गत हम देखेंगे कि यह चर्चा में क्यों है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है और भारतीय निर्वाचन आयोग क्या है। अंत में इस विषय से संबंधित प्रश्न पर हम विचार करेंगे, यह चर्चा में क्यों है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग द्वारा कांग्रेस नेता कमलनाथ के स्टार प्रचारक का दर्जा छीने जाने के फैसले पर रोक लगा दी है। आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर चुनाव आयोग ने कमलनाथ का स्टार प्रचारक का दर्जा रद्द कर दिया था। कमलनाथ ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग के पास यह अधिकार नहीं है, चुनाव आयोग को मामले में जवाब दाखिल करने का अवसर दिया गया है जिसे जल्द से जल्द दायर किया जाएगा। इस मामले की पृष्ठभूमि क्या है। इससे पहले चुनाव आयोग ने कमलनाथ को लेकर दिए गए अपने आदेश में कहा था कि आदर्श चुनाव संहिता के बार बार उल्लंघन और जारी की गई सलाह की उन्होंने पूरी तरह से अवहेलना की है, जिसके बाद आयोग ने मध्य प्रदेश विधानसभा के हाल ही में संपन्न उपचुनाव के लिए पूर्व मुख्यमंत्री का राजनीतिक दल के नेता अर्थात स्टार प्रचारक का दर्जा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया था। आयोग ने कहा था कि कमलनाथ को स्टार प्रचारक के रूप में प्राधिकारियों की ओर से कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। अब से अगर कमलनाथ की ओर से कोई चुनाव प्रचार किया जाता है तो यात्रा, ठहरने और दौरे से संबंधित पूरा खर्च उस उम्मीदवार की ओर से वहन किया जाएगा जिसके निर्वाचन क्षेत्र में वह चुनाव प्रचार करेंगे। कमलनाथ ने एक हालिया चुनावी कार्यक्रम में राजनीतिक प्रतिद्वंदी के खिलाफ माफिया और मिलावटखोर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। आयोग ने कमलनाथ को चुनाव प्रचार में आइटम जैसे शब्दों का उपयोग नहीं करने को कहा था। अब एक नजर भारतीय निर्वाचन आयोग पर। निर्वाचन आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत किया गया है। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। आयोग में वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या आयु 65 साल जो पहले हो का होता है, जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या आयु 62 साल जो पहले होगा होता है। यह संसद, राज्य विधान मंडल के साथ साथ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और निर्वाचन नामावलियों की तैयारी पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है। आज का प्रश्न है, भारतीय निर्वाचन आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। विकल्प ए अनुच्छेद 322, विकल्प बी अनुच्छेद 324, विकल्प सी अनुच्छेद 328 और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। कमेंट सेक्शन में आप सभी के जवाब का इंतजार रहेगा। पिछले वीडियो में जो सवाल पूछा गया था उसका सही जवाब है विकल्प सी। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।